हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस 2020 का पेपर दिया है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इसकी रिजल्ट जो डेट है वो है आपकी 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा आपका टायर फर्स्ट का, ठीक है। अब आपके यहाँ पर कितने मार्क्स बन रहे हैं इसका मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि हम बात करते हैं 2019 में आपका जो पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत हाई रही थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई जगह से तो कट ऑफ दी आपकी वो 100+ भी गई थी, यानी कि 102 कट ऑफ गई थी शायद हरियाणा से, ऐसे कुछ गई थी कट ऑफ, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो। बाकी 90+ तो मतलब ऑलमोस्ट सभी की कट ऑफ थी, 93, 95, इससे कम तो मतलब कट ऑफ बहुत ही रेयर जगह थी आपकी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साउथ की, बात करते हैं असम की, त्रिपुरा, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको राहत मिली थी, लेकिन वहाँ भी 90 के आसपास ही कट ऑफ थी जनरल की तौर पर। तो क्या इस बार भी आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी, या फिर इस बार थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा? देखिए, पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर पेपर का लेवल थोड़ा सा बहुत हल्का पेपर था, ठीक है। इस बार का पेपर इन्होंने थोड़ा बैलेंस रखा है, और काफ़ी पेपर का मतलब जो एमटीएस के हिसाब से इन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा ठीक रखा है। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो इस बार कट ऑफ गिरने वाली है, और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी गिरने वाली है, क्योंकि 90+ कट ऑफ होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। वो भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 उसके बाद में, ठीक है। अब पता नहीं स्टूडेंट कैसे मार्क्स ले आ पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पिछली बार कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या था। पिछली बार जो आपके यहाँ पर नंबर थे, रो मार्क्स जो थे, ठीक है, उसके अंदर आपके आफ्टर नोवलाइजेशन वहाँ पर नंबर जो है वो इंक्रीज हुए थे, 10-10, 15-15, 20-20 नंबर तक आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। और वो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, पेपर का वेरिएशन का अलग अलग होना, ठीक है। मतलब आपके किसी शिफ्ट के अंदर तो एवरेज स्कोर किसी के 60 ही आ रहा था, किसी के 80 एवरेज स्कोर आ रहा था, किसी में 70 आ रहा था, तो 10 से 15 नंबर का जो है ये जो वेरिएशन था ना, ये ले बैठा आपके नंबरों को इंक्रीज और डिक्रीज करने के अंदर, ठीक है। तो हम इसी के बारे में, और यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे 2019 के अंदर जिनके यहाँ पर एक भी नंबर नहीं पड़ा था। तो कहने की बात यह है कि नंबर जो आपकी जो कट ऑफ बढ़ती है आपकी, उसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, नॉलेशन आपका। लेकिन इस बार 2020 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो लेवल था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही आसान या किसी का बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। आपने देखा होगा 2019 के अंदर ऐसे आपका सीजल में हुआ था आपका, वहाँ पर भी पेपर का जो वेरिएशन था बहुत ज़्यादा, वहाँ पर दो शिफ्ट थी आपकी मेंस के अंदर, और एक शिफ्ट थी आपकी 18 तारीख को, दो थी आपकी 15-16 को, वहाँ पर भी 18 वाला पेपर था आपका, वो बहुत आसान दे दिया था। तो ये चीज़ें गलत होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट साथ में हीन भावना आती है, आपस में स्टूडेंट लड़ते हैं, आपस में स्टूडेंट ही लड़ते हैं कि भाई तेरे नंबर तो इतने कम थे, फिर तेरे नंबर ऐसे बढ़ के गए, ठीक है। तो आपस में स्टूडेंट लड़ते हैं, इससे अच्छा है कि एसएससी को पेपर का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेम बनाए, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है 2-4 नंबर का, 5 नंबर तक का, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप लोग 15-15 नंबर आप लोग डिग्री यहाँ पर कर रहे हैं या पर बढ़ा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस, देखो कट ऑफ का इस बार मैं बात करता हूँ, तो कट ऑफ डिक्रीज तो होगी लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं होगी, इसका भी रीज़न यहाँ पर क्या है। देखिए, पेपर का लेवल अच्छा होने के बाद भी कट ऑफ आपकी डिक्रीज होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, उसका रीज़न क्या है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अनएकेडमी की स्पेशल क्लासेस का आपको लाभ उठाना है, तो सबसे पहले आपको अनएकेडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप लोग यहाँ पर अपना मैनेज गोल करेंगे आरपीएससी, और उसके बाद में आप लोग मेरा नाम सर्च कर पाएंगे, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, आप लोग उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई कोड मांगता है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास लेते हैं तो आपको एक कोड आपको लगाना पड़ेगा, और वो कोड आपका धवन 123, ठीक है, ये कोड आपको बता देता हूँ, आपको धवन 123 आपको यहाँ पर जो कोड है वो लगाना पड़ेगा। साथ में आप लोग देखिए, आपकी हर संडे को आपके यहाँ पर एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पर प्राइज जीतने का मौका भी आपको मिल जाता है आपको, ठीक है। साथ में देखिए, आप लोग यहाँ पर अनअकेडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने को मिलता है, पूरा कोर्स आपको कवरेज करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी होती है, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट ही होती है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अनअकेडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ इस प्रकार से कोर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं धवन 123, ये कोड आपको जरूर लगाना है, रेफरल कोड धवन 123, तो आपको यहाँ पर 10% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग आज ही फॉलो कर सकते हैं अनअकेडमी को, अनअकेडमी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2019 के अंदर जो आपकी वैकेंसी थी, ठीक है, देखिए 2019 में आपकी जो वैकेंसी थी वो थी 9000 गुणित तक, और हमें ऐसी उम्मीद लगा रहे थे कि 2020 के अंदर भी आपकी जो वैकेंसीज है वो आपकी लगभग 8000 के आसपास तो कम से कम आएगी आएगी। लेकिन भाई साहब देखिए, हमारा जो भारत है थोड़ा से बहुत आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी को घटाते हुए जा रहा है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, वैकेंसी लगातार घट रही है। एसएससी की तो इतिहास में आप देख ही सकते हैं कि मतलब 2012-11 की बात करते हैं तो वैकेंसी उस टाइम जो आया करती थी 15-15 हज़ार, 20 हज़ार एसएससी के अंदर, सीजीएल में सभी के अंदर वैकेंसी आया करती थी।
लेकिन जब से ही हमारा जो भारत है ज़्यादा कुछ ऊंचाई पर बढ़ चुका है, वैकेंसी यहाँ पर नीचे हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अच्छे दिन हमारे आपको देखने को यहाँ पर दिख ही रहे। तो मात्र इस बार 3972 आपकी वैकेंसी है। अब भाई सीधी सी बात है भाई, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखो आधी से भी कम वैकेंसी है, आधी से भी कम वैकेंसी है, तो डेफिनेटली कट ऑफ में तो आपको आपको इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा मिलेगा। 2019 से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मतलब जो कट ऑफ होनी चाहिए थी एक्चुअल में, अगर आपकी ये वैकेंसी होती तो जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी यहाँ पर कम होती। लेकिन फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम बात करते हैं 18 से 25 वाले जो एज है यहाँ पर, ठीक है, उनकी जो वैकेंसी इस बार वो 3266 है, और 18 से 27 वालों की 706 पोस्ट है मात्र यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, हम लोग बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जा सकती है, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। देखिए एक बार देखिए, अगर हम बात करते हैं आफ्टर नॉमिनेशन, आफ्टर बात करते हैं नॉमिनेशन के, तो आपके नंबर यहाँ पर कितने कितने आपके इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। देखो ये डिपेंड करता है आपकी सीट पर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस बार जो नंबर इंक्रीज होंगे मुश्किल से 5 से 7 के आसपास है ना, इजीएस्ट शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट, इसमें आपका इतना ही अंतर आएगा, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन इस बार नहीं था आपका, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं अगर आप जनरल के हैं, अगर आप जनरल से हैं, तो कम से कम आपके आफ्टर नोवलेशन आपके नंबर, देखिए मैं आपसे कह देता हूँ कि 80+ तो आपके होनी चाहिए भाई, 80 से 85 होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतनी हाई कट ऑफ जाएगी नहीं, भाई मैं भी कह रहा हूँ कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन भाई वैकेंसी भी तो नहीं है ना, बिना वैकेंसी के आप लोग क्या करोगे, है ना। आप लोग मतलब लड़ाई करने वाले इतने हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर, तो भाई सीधी सी बात है आप उसमें लड़ाई करोगे आप लोग यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर है, वैकेंसी कम है तो आपस में मरेंगे टूटेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर, तो है ना। या तो वैकेंसी बढ़वाइए यहाँ पर, वैकेंसी बहुत कम है इस बार आपकी, ठीक है, 2019 की तुलना में। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं तो आपके नंबर जो होने चाहिए वो कम से कम, देखो देखो मैं बताऊँ कि एसएससी के अंदर एमटीएस के अंदर खासकर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि 2-4 नंबर का डिफरेंस रहता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर तो 78 से लेकर के आप लोग मान सकते हैं कि 82 के बीच में ये आपकी कट ऑफ हो सकती है। ये है आपकी आफ्टर नोवलेशन यानी कि नंबर भरने के बाद में, ठीक है ना, ये आपके रोमार्क्स नहीं, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, और आप लोग चाहे उठा के देख लेना, इससे कम कट ऑफ किसी भी हद में नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है समथिंग 75 के आसपास, 75 से 80 के बीच में जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एससी की और एसटी की, तो एससी की जो कट ऑफ है लगभग आपकी 72 से 75 के क्षेत्र के आसपास, और एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 70 से आपके 75 के आसपास, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग यहाँ पर जो है ना प्लस माइनस आप लोग 5 नंबर तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना, प्लस तो खैर कम ही होगा, हो सकता है कि माइनस यहाँ पर हो जाए आपके पास में अगर वैकेंसी बढ़ती है तो, अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ये कट ऑफ आपकी और भी कम हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यार देखो सीधी सी बात है यार, वैकेंसी कम है, देखो मेन बात तो क्या है इस बार मुद्दा, वैकेंसी कम है तो आप और आप लोग पिछले साल की 2019 की वैकेंसी उठा के देखोगे, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा थी, पेपर आसान था, फिर भी कट ऑफ कितनी गई थी आपने देखा होगा, 90-90 कट ऑफ गई थी आपकी, 85-86 एक जगह तो 102 भी कट ऑफ गई थी उसमें से आपके आफ्टर नॉमिनेशन आपके, तो भाई ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जो आपसे कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास जाएगी जनरल की, तो भाई ये तो आपको पता है कि कॉम्पिटिशन कितना है। और देखो एसएससी एमटीएस में आपको पता होगा कि यहाँ पर एक ही पेपर होता है आपका, ठीक है, क्योंकि सेकंड पेपर ऐसा क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको पेपर देना होता है आपको, तो इसलिए कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है आप लोग, ठीक है। तो इतने नंबर तो आपके बनने चाहिए आफ्टर नॉमिनेशन, अगर आपको ज्वाइनिंग तक का सफर देना है, अगर आपको ओनली प्री क्लियर करना है तो 2-4 नंबर और कम हो जाएगी। ये जो है आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन की है ना, ये जो कट ऑफ है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्री पास करना है तो बात अलग है, थोड़ी सी कम दीजिए कट ऑफ की, ठीक है। तो और साथ में आप लोग मुझे अनएकेडमी फॉलो कर सकते हैं, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी आरपीएससी कैटी के अंदर, और आपको अनएकेडमी का कोई भी यहाँ पर कोर्स चाहिए आपको तो आप लोग मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। एसएससी का हो चाहे बैंक का किसी भी टीचर का आपको कोर्स चाहिए अनएकेडमी का, आप लोग उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।